लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब विधानसभा उपचुनाव में पीडीए फॉर्मूला लागू कर उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सपा इस खास रणनीति से यूपी में भविष्य की राजनीति में खुद को और मजबूत करने के मूड में है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हाल ही में लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में अहम बैठक हुई। इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों, प्रभारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, राम गोविंद चौधरी, राजेंद्र चौधरी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी 3 दिन पहले ही विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक कर चुके हैं पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, संगठन के साथ, सांसद विधायकों के साथ, और जल्द ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की जो सूची है वो घोषित करेगी जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी। जहाँ तक किसी को जिम्मेदारी देने का सवाल है तो इस पे फैसला आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना है और वो फैसला जल्द हो जाएगा। एक एक विधानसभा पे एक एक प्रभारी जरूर बनाया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया आदरणीय अखिलेश यादव जी इस मामले में निर्णय लेंगे। चूंकि अब जब अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ दिल्ली में मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे में पार्टी सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने अपनी जगह प्रदेश में पार्टी का सारा दारोमदार अपने चाचा और पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव को सौंप दिया है और उसके बाद शिवपाल यादव ने उन सभी विधानसभा सीटों का दौरा भी शुरू कर दिया जहां पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। देखिए, आदरणीय शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास बहुत जिम्मेदारी है और कोई जिम्मेदारी देने और ना देने का सवाल नहीं है। उनके वो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके पास हमेशा जिम्मेदारी रहती है, वो पार्टी को जिताने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी नेतृत्व उपचुनाव की कवायद में जुट गया है, दावेदारों के नाम आने शुरू हो गए हैं। सपा भी लोकसभा के पीडीए फॉर्मूले लगाकर ही प्रत्याशी को महत्व देने पर विचार कर रही है। सपा की नजर सभी विधानसभा सीटों पर है, इसके लिए जातीय समीकरण साधे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में अपने सहयोगी कांग्रेस को भी एक सीट देकर गठबंधन को बनाए रखने का संदेश देना चाहेगी। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पीडीए फॉर्मूले के तहत अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया जा सकता है, तो वहीं अकबरपुर की कठेरी सीट से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा भी सपा की बड़ी दावेदार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी फूलपुर सीट पर बीजेपी को मजबूत टक्कर देने वाले अमरनाथ मौर्य पर दाम लगा सकती है। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार ने बहुत मामूली अंतर से जीत हासिल की है। वहीं करहल सीट को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने छोड़ा है, यहां से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इन 10 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जो अभी तक सपा के पास थी। इसमें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंदर की सीसामऊ की सीट शामिल हैं, जबकि गाजियाबाद, खैर, फूलपुर पर बीजेपी का कब्जा था, मीरापुर पर आरएलडी, जबकि एक सीट माजवा पर निषाद पार्टी का कब्जा था।